नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जो शहर बीदर ही नहीं बल्कि इलाके हैदराबाद कर्नाटक के लिए एक मारूफ और यादगार कारनामा अंजाम दिया है। नाज़रीन, 2023 इस साल जिन सरकारी सतह पर अवार्डों का ऐलान हुआ है, जिसमें शहर बीदर के शाह रशीद अहमद खादरी को पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है, आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, पहले आप ये बताएं कि आप ये जो हुनर है, जो फ़न है, वो किस उम्र से सीखे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं शाह रशीद अहमद खादरी बिदरी का मास्टर क्राफ्टमैन हूँ। ये काम हमारा ख़ानदानी काम है और मैं थर्ड जनरेशन से हूँ। मैं ये काम घर में होता था और दसवीं तक पढ़ाई करते हुए ये काम किया। मैं दसवीं क्लास पास होने के बाद मैं ये पढ़ाई को छोड़ के ये काम में जुड़ गया, क्योंकि ये मेरे ख़ानदानी काम को आगे बढ़ाना था। वाली साहब नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं, क्योंकि कारीगरों की ज़िंदगी में दो वक्त की रोटी है, अच्छी ज़िंदगी नहीं है और इनका फ्यूचर डार्क है, इस वजह से नहीं सिखाना चाहते थे। मगर घर का काम होने की वजह से चलते फिरते ये काम सीख गया मैं वालिद साहब से। और जिस तरह से मछली के बच्चे को तैराना सिखाने की ज़रूरत नहीं, उसी तरीके से मैं ये काम सीख गया और वालिद साहब की भी रहनुमाई रहती थी मेरे को। और ये काम हमारे बचपन में बहुत मुफलिसी में काम ज़िंदगी गुजारे हम, क्योंकि इसकी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं थी, ज़्यादा इसको पूछने वाला नहीं था और कोई ये काम को जानने वाला नहीं था। ये काम करते हुए मैं तरक्की की सीढ़ियों पे एक के बाद एक चढ़ता गया। मैं सबसे पहले 1984 में मेरे को कर्नाटका स्टेट अवार्ड मिला, उसके बाद 1988 में नेशनल अवार्ड मिला, फिर उसके बाद स्वर्ण कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड मिला, फिर दिल्ली में ग्रेट इंडियन अचीवर्स अवार्ड मिला, ओमान मस्कत में मस्कत फेस्टिवल अवार्ड मिला। इस तरीके से मेरे पास एक 8-10 अवार्ड है। और ये काम को मैं फॉरेन कंट्रीज़ को भी लेके गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से। कौन कौन से कंट्रीज़ को? और उसमें है सो मैं पहला मेरा जो टूर था बॉस्टन को गया, जो 87 में 4 महीने एक ही म्यूजियम में बैठ के काम किया और बीदे की पहचान करवाया। इसी तरीके से 88 में रोम इटाली गया, सिंगापुर में 1990 में सिंगापुर गया और 1993 में नीदरलैंड और 2004 में बार्सिलोना स्पेन गया। इसी तरीके से किंगडम ऑफ बहरीन को 2006 में गया, फिर दोबारा मस्कत को गया 2009 में और शिकागो गया यूएसए 2011 में और जिनेवा को गया स्विट्ज़रलैंड 2011 में और 2015 में कुनमिंग जो चाइना का एक शहर है कुनमिंग को गया। उसके बाद मैं सिंगापुर को फिर दोबारा गया मैं 2018 में ये लाइव डेमोंस्ट्रेशन देने के लिए। बीदर कर्नाटक का एक बैकवर्ड ज़िला है जिसको कोई नहीं पहचानता था। बिदरी वर्क की वजह से बीदर की सारी दुनिया में पहचान हुई। और जब आपको ये अवार्ड का ऐलान हुआ तो आपको कैसा लगा? ये पद्मश्री अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश कर रहा था, 5 साल तक करता रहा, क्योंकि इसमें ख़र्चा भी मेरे को बहुत आता था। 5 साल तक कोशिश करके बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद मैं ये कोशिश छोड़ दिया, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, ये सोच के मैं छोड़ दिया। लेकिन मोदी जी मेरे ख्याल को गलत साबित करते हुए उनकी गवर्नमेंट में मेरे को ये अवार्ड के लिए चुना। और ये जो मुझे अवार्ड जो मिलने वाला है मार्च या अप्रैल में मिलेगा, अभी तो अनाउंस हुआ, ये 25 जनवरी को होम मिनिस्ट्री के
जॉइंट सेक्रेटरी ने फ़ोन करके बोला कि बधाई हो, आपको पद्मश्री अवार्ड हुआ। मेरे को यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे को ये अवार्ड मिला। और 25 तारीख के दिन मैं इतना इमोशनल हो गया था कि सारा दिन आंसू बहाते रहा, सारा दिन आंसू बहाते रहा। खुशी का ये आलम था कि सारी रात सो नहीं सका मैं। फिर बीदर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 8:30 बजे 25 तारीख को 8:30 बजे फ़ोन करके बोले कि आपको पद्मश्री अवार्ड हुआ और आप कल 26 जनवरी को नेहरू स्टेडियम में आइए, हम आपका सम्मान करेंगे। तो इस तरीके से ये अवार्ड की बीदर में इतनी खुशी हुई और ऐसा माहौल था, ईद का एक माहौल था, एक 5-6 दिन जो 1,500 आदमी मेरे से मिलने आए, इसमें हर जात का आदमी, हर पार्टी का आदमी, हर किस्म का आदमी आया, यहाँ तक कि आरएसएस के लोगों तक भी मिलने आए जिनसे मैं उम्मीद नहीं रखा था। अभी जो आपका काम है क्या वो आपके बच्चे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ, ये जो मेरा काम है, मेरे भाई को भी आता, वो भी करते हैं काम, मेरे बच्चों को भी आता है काम, लेकिन मेरे 3 बच्चे सऊदी अरब चले गए, 1-2 बच्चे इंजीनियर है, 1 बच्चा अकाउंटेंट है, 4th बच्चा मेरे साथ में है जो मेरा हाथ बटाते रहता, ये काम करता वो। अक्सर हम सुनते हैं कि ये बिदरी वर्क के जो कारीगर हैं वो लोग काफ़ी उन लोगों को काम नहीं मिल रहा या फिर उनको वो सहूलतें नहीं मिल रही, तो या आप इसी काम से आप अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाए और आप खुद पूरी दुनिया में बीदर शहर का नाम रोशन किया, तो उन कारीगरों के लिए ज़रूरत के जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है इस काम से, इस हुनर से, इस फन से, तो उन लोगों के लिए आपका क्या हुकूमत से मुतालबा है? देखिए, कोई भी काम हो, कोशिश और जद्दोजहद से आगे बढ़ता। मेरे में ये कूट कूट के भरे हुआ था कि मैं कोशिश और जद्दोजहद करता था, अवार्डों के लिए कोशिश करता था, बाहर जाने के लिए तो खैर मेरा डाटा है जो दिल्ली में है वो मेरे डाटा को देख के मेरे को बाहर भेजते थे, और मार्केटिंग के लिए भी मैं बहुत कोशिश करा मैं। और ये बीदर के कारीगर क्या है, बैठे जगह आओ बोल के बोलते हैं वैसा नामुमकिन है। अभी भी जो बीदर के कारीगर है मरमर के जी रहे हैं, गवर्नमेंट से कोई सहूलत नहीं है। और मेरा गवर्नमेंट से मेरा मुतालबा है कि ये बिदरी वर्क एक वर्ल्ड फेमस क्राफ्ट है, इसको तरक्की देने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग करे तो ये काम ज़िंदा रहता, नहीं तो ये ख़त्म हो जाता, ये रफ्तार रफ्तार ख़त्म हो जाता। फिर भी ये लोग ज़्यादा मार्जिन नहीं रहने से ये काम छोड़ के लोग लेबर के काम में जा रहे हैं ये लोग, इसलिए गवर्नमेंट इसको इसका साथ देना चाहिए। और बीदर के डीसी साहब से मैं मुतालबा करता हूं कि ये बिजली काम में एक ख़ास खिले की मिट्टी है जिससे कलर करते हैं बिजली काम के सामान को, जो काला होने में मदद करता है वो बीदर की खिले की मिट्टी से होती है, उसके तमाम दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं। डीसी साहब से मेरी ख्वाहिश है कि वो मिट्टी लेने के लिए दीजिए, क्योंकि वहाँ पे पाबंदी लगी हुई है, कोई मिट्टी लेने नहीं दे रहा, अगर मिट्टी नहीं मिली तो ये काम बिल्कुल ख़त्म है। ये थे पद्मश्री अवार्डी याफ्ता शाह रशीद अहमद खादरी साहब, जो बिदरी फन की वजह से आज न सिर्फ ज़िला बीदर बल्कि पूरी दुनिया में बिदरी वर्क को मुतारुफ किया है। ईटीवी भारत के लिए बीदर से मुबीन अहमद जख्मी।